फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपने लेक्चर 5 तक करंट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का पेपर में आता है। वो हमसे पेपर में पूछ रहे हैं रिलेशन बिटवीन EMF वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, किसके किसके बीच में, ई फॉर EMF है और वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस है और आई फॉर करंट है। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं। हमने एक सर्किट बनाया बच्चों, सर्किट में हमने इसका EMF E बोल दिया है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो R बोल दिया है। जो रेसिस्ट इन्होंने पूछा था वो किसके किसके बीच में पूछा था, EMF के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और I के बीच में नहीं पूछा था, इन्होंने स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस के बीच में पूछा था, तीन जने के बीच में पूछा था। कौन कौन थे वो तीन जने, एक EMF था सेल का E और इंटरनल रेसिस्टेंस था सेल का R और पोटेंशियल था जो कि हमारे पास कनेक्टेड था उसके ये सीरीज में पोटेंशियल और कैपिटल आर रेसिस्टेंस जो है वो वोल्टामीटर का रेसिस्टेंस है जो कि वी विभव का है, ठीक है ना, वोल्टमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक, देखो यहां तक समझ में आई बात की नहीं समझ में आई। रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर निकालना चाहते हैं EMF पोटेंशियल और आर के बीच में, किसके बीच में, EMF के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इंटरनल रेसिस्टेंस के बीच में। तो ये सर्किट है हमारे पास और जो करंट निकलता है वो हमेशा बड़े डंडे से निकलता है, तो इसमें करंट आई बह रही होगी। तो ये सारी चीजें जो भी हम डायग्राम में मानते हैं पहले अपने को साइड में लिख देना चाहिए। तो लेट दी EMF ऑफ सेल इज ई, सेल का जो EMF है बच्चों वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ई दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज आर एंड वोल्टमीटर हैविंग आर रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड। ये बात समझ में आती है, लेट द EMF ऑफ द सेल इज, माना कि सेल का EMF E दिया हुआ है, उसका इंटरनल आंतरिक प्रतिरोधक जो है वो R दिया हुआ है और जो वोल्टामीटर है वो V का है और उसका रेसिस्टेंस R दिया हुआ है। तो जो सर्किट है उसमें करंट जो बह रही है उसे I बोल दो, करंट इन सर्किट, मार्कर देना, करंट इन सर्किट इज आई, जो सर्किट में धारा बह रही है उसे अपन ने क्या बोला, आई बोला। रिलेशन निकालना चाहते हैं EVR के बीच में, पहले हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम में जो जो चीजें माना था हमने वो सारी चीजें हमने लिख दी एज इट इज, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, अपन ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो ओम्स लॉ जी जो थे उन्होंने क्या बोला था, आप ये बताइए, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला दिए थे। यदि आप करंट निकालना चाहते हैं तो करंट बराबर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, E अपॉन R टोटल। बच्चों ये समझ में आया बात की नहीं आई, E अपॉन R टोटल होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, होगा ना। तो E अपॉन R टोटल, अब R टोटल ये स्मॉल R इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोधक और कैपिटल R सभी सीरीज में है, तो सीरीज में R टोटल की वैल्यू E अपॉन R प्लस स्मॉल R। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, करंट की वैल्यू आ गई है जो कि हमारे सर्किट में दी हुई है। यदि आप इसमें से E की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आई आर प्लस स्मॉल आई इंटू स्मॉल R, ये क्या आ गई है हमारे पास, करंट की वैल्यू आ गई है। करंट की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, E अपॉन R प्लस R, R प्लस R को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो E की वैल्यू आई आर प्लस ये आ गई। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, और बच्चों जो पोटेंशियल है इसका वोल्टेज V दिया हुआ है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस, किस पॉइंट के अक्रॉस,
इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V दिया हुआ है, और V अगर करंट बह रही है तो इसमें भी ओम्स लॉ को यदि अप्लाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR होगा। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टामीटर का जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसे हमने V माना है, और ये करंट जो बह रही है वो I बह रही है, तो इसे अपन बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IR। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। हाँ, ये बात आपको याद रखना है, जब भी आप इस तरह के फॉर्मूले लगाएंगे तो उसके आगे आप ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि बाय ओम लॉ, ठीक है ना। तो यहां से आप V की जगह IR की जगह V रख देंगे, जब आप इधर IR की जगह बच्चों V रखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, V प्लस I इंटू स्मॉल R, और यहां से आपको V की वैल्यू यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, E माइनस IR। V इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला यहां से आ गया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू IR, V इज द टर्मिनल वोल्टेज, क्या है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज, और E की वैल्यू क्या है हमारे पास, EMF, और R जो है वो क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R। ये पेपर में आता है, आपके 3 मार्क्स को डिराइव करने के लिए आता है, आपको डायग्राम बनाना है, सारी चीजें मेंशन करनी है, कुछ नहीं करना है, पहले पूरी सर्किट का करंट निकाल लेना है पूरी दोनों रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करके, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेना है, एलिमिनेट करना है, और V इज इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज को प्राप्त करना है। ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 6, यहां तक आई थिंक आपने कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर जो बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे करंट के बारे में, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू लवर्स।